की पुस्तक 2 अध्याय उसके 4 पद में लिखा है, वह मुझे भोज के घर में ले आया और उसका जो झंडा मेरे ऊपर फहराता था वह प्रेम था। ध्यान दीजिए, शुनेम वासी इस लड़की का दिल उस चरवाहे पर आ गया था, वह उसे लेने आया तो वह वास्तव में सुलेमान राजा था। वह उसे अपने यरूशलेम स्थित महल में ले जाता है, अब वह उसे भोज के घर में ले आता है। यह कलिसिया का अति सुंदर चित्रण है जो एक दिन मसीह की दुल्हन होगी। इसमें प्रभु यीशु और प्रत्येक विश्वासी के व्यक्तिगत संबंध का भी चित्रण है। वह मुझे भोज के घर में ले आया, यह मेमने के भावी विवाह भोज का प्रतीक है। हम विश्वासी परमेश्वर के अनुग्रह से वहां होंगे और उस समय संपूर्ण संतोष प्राप्त होगा। वह मुझे उद्धार की मेज और सहभागिता की मेज पर ले आया। वह मेरे सामने परमेश्वर के वचन की मेज लगाता है और कहता है कि मैं खाकर तृप्त हो जाऊं। वह मुझे भली वस्तुओं की मेज के निकट लाता है। वह कैसा भला और अनुग्रहकारी है। मेरे मित्रों, हम प्रभु यीशु के जन्म के समय ही देखते हैं कि वह मानव जाति के लिए अवर्णित आनंद लाया था। मंदिर में शमोन और हन्ना उसकी प्रतीक्षा में थे। उन्हें आशा थी कि वे उसे देखेंगे। जिस दिन यूसुफ और मरियम यीशु को मंदिर में लाए थे, उस दिन वह इस वृद्ध दंपत्ति के लिए भोज का घर बन गया था। स्वर्गदूत ने मरियम के पास आकर घोषणा की कि वह उद्धारकर्ता की मां बनेगी, तो उसने स्तुति में कहा, लुकार्चिस्तु समाचार 1 अध्याय के 53 पद में, उसने भूखों को अच्छी वस्तुओं से तृप्त किया। देखिए, वहां का चित्रण भी ऐसा ही है। वह मुझे भोज के घर में ले आया, अति उत्तम चित्रण है। अध्याय 1 उसके पद 4 में उस लड़की की विनती थी, मुझे खींच ले, हम तेरे पीछे दौड़ेंगे। जब तक परमेश्वर का आत्मा हमें विवेक न दे और हमारी आंखों को न खोल दे कि प्रभु यीशु की महिमा और सौंदर्य को देख पाएं, तब तक हम इस अनुभव के उन्माद को समझ नहीं पाएंगे। ओह, मेरे मित्रों, हम कूड़ा खाकर संतुष्ट ना हो, न ही उड़ाव पुत्र की नाई सुअरों का खाना खाएं, जबकि प्रभु यीशु ने हमारे लिए ऐसा महान भोज तैयार किया है। हम आगे बढ़ते हैं और देखेंगे प्रेम का झंडा। वह मुझे भोज के घर में ले आया और उसका जो झंडा मेरे ऊपर फहराता था वह प्रेम था। यह झंडा आज भी हम पर फहराता है। उस युग में झंडे के अनेक अर्थ होते थे। सेनाएं युद्ध में झंडा लेकर चलती थी, और मेरे विचार में जब वह कहती है कि उस पर प्रेम का झंडा फहराता था, तो उसमें झंडे के सब अर्थ आ गए हैं। सेना का झंडा, रोमी सेना का झंडा विजय का प्रतीक था। परमेश्वर का पुत्र आज भी युद्ध में जाता है। आज मनुष्यों की आत्माओं के लिए युद्ध हो रहा है। मुझे स्मरण है कि मैं यीशु का कैसा विरोध करता था, उसकी संगति में नहीं चलता था। मुझे अब भी याद है कि मैं युवाओं की सभा में नहीं जाने के लिए कई बार बहाने बनाया करता था। मैं कहता था कि वे कन्या राशि हैं और उस भीड़ का भाग मैं नहीं बनना चाहता, मैं उनमें रुचि नहीं रखता था। परंतु उसने मार्ग खोल दिया और एक दिन मैं वहां था, और इससे पहले कि कुछ समझ पाता मैंने उसको ग्रहण करने का निर्णय ले लिया। मेरे ऊपर उसका विजय का झंडा फहरने लगा था। झंडा सुरक्षा का चिन्ह भी है। यीशु जब इस दुनिया में आया तो स्वर्गीय पिता ने गवाही दी, मत्ती रचित सुसमाचार 3 अध्याय के 17 पद में, यह मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अति प्रसन्न हूँ। और जब तक उसका समय नहीं आया, उसके बैरी उस पर हाथ नहीं डाल पाए। वह सुरक्षित किया गया था। समय आने पर उन्होंने उसे पकड़कर क्रूस पर चढ़ा दिया। हम कभी समझ नहीं पाएंगे कि वह कैसी भयानक घटना थी। वह क्रूस पर से पुकार उठा, मत्ती रचित सुसमाचार 27 अध्याय उसके 46 पद में, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे
क्यों छोड़ दिया। उसके बैरी सोचते थे कि परमेश्वर ने उसे छोड़ दिया है, अतः वे जैसा चाहें उसके साथ वैसा ही व्यवहार करें। उन्होंने उसका ठट्ठा करके कहा, मत्ती रचित सुसमाचार 27 अध्याय के 43 पद में, उसने परमेश्वर पर भरोसा रखा है, यदि वह इसको चाहता है तो अब इसे छुड़ा ले, क्योंकि इसने कहा था मैं परमेश्वर का पुत्र हूं। परंतु परमेश्वर तो अब भी अपने पुत्र से प्रसन्न था और उसने उसे मुर्दों में से जिलाया, और अब उद्धार और सुरक्षा का उसका झंडा उसके सब अनुयायियों पर है। फिलिपियों की पत्री 4 अध्याय के 7 पद में लिखा है, परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे है तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी, वह आपकी रक्षा करेगा। झंडा नाम लिखाई का प्रतीक भी होता है, सैनिक उसके अधीन अपना नाम लिखाते हैं, परंतु प्रभु की सेना स्वेच्छा से समर्पण करने वालों की है। रोमियो की पत्री 12 अध्याय उसके 1 पद में लिखा है, इसलिए हे भाइयों मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूं कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। यूहन्ना रचित सुसमाचार 14 अध्याय के 15 पद में लिखा है, यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। जी हाँ, यदि आप उससे प्रेम न रखें तो कोई बात नहीं, यह तो स्वेच्छा का समर्पण है। उसका जो झंडा मेरे ऊपर में फहरता है वह प्रेम था। हम देखते हैं प्रेम रोगी, श्रेष्ठ गीत 2 अध्याय के 5 पद में हम पढ़ते हैं, मुझे किशमिश खिलाकर संभालो, सेब खिलाकर बल दो, क्योंकि मैं प्रेम में रोगी हूँ। परमेश्वर का पवित्र आत्मा उद्धार प्राप्त आत्मा को प्रभु यीशु मसीह की संतोषजनक उपस्थिति में ले आता है। परमेश्वर प्रभु यीशु से संतुष्ट है कि उसने आपके लिए क्या किया। क्या आप मसीह यीशु में आनंद, संतोष और हर्ष प्राप्त करते हैं? श्रेष्ठ गीत के अध्ययन के समय में आप ध्यान दें, युगों से परमेश्वर के महापुरुषों ने इस पुस्तक के अध्ययन में समय लगाया है। मैंने भी इस पुस्तक के अध्ययन में अधिक समय नहीं लगाया है, परंतु यह मेरे लिए बहुत अर्थपूर्ण सिद्ध हुई है। मेरे एक के वरिष्ठ प्रभु के दास पादरी एक महान संत थे। मैं उनका बहुत सम्मान करता था और उनसे नियमित भेंट करता था। मैं उनसे नई नई बातें सीखता था। सब बाइबल संबंधित ज्ञान की बातों को मैं सीखता था। एक दिन उन्होंने मुझसे कहा कि मैं उस रात लेटे लेटे सोच रहा था कि मसीह कैसा महान है। तभी मुझे ऐसा प्रतीत हुआ कि मेरे पलंग के चारों ओर महिमा व्याप्त हो गई है। मुझे गलत मत समझें, मैं कुछ देख नहीं रहा था। मसीह को अंतर ग्रहण करना अत्यधिक हर्ष की बात है। अंत में मेरी देह इतना अधिक उत्तेजित हो गई कि मैं सो नहीं पाया। मुझे परमेश्वर को पुकारना पड़ा, हे प्रभु महिमा को बंद कर दे, मेरी यह देह इसे सहन नहीं कर पाती है। मेरे प्रियो, पौलुस के अनुभव की कल्पना करें, वह तीसरे स्वर्ग में उठाया गया था। हमने तो अभी स्वर्ग के द्वार पर भी पांव नहीं रखा है। हम उसके साथ ऐसे संबंध के बारे में बहुत कम जानते हैं। इसकी पूर्ति तब होगी जब हम मेमने के विवाह भोज में उपस्थित होंगे। अर्थक्रीन ने लिखा है, जिस प्रेम का मैं वर्णन करता हूं आत्मा में अद्भुत काम करता है। जब मैं निरोग रहता हूं तब वह मुझे रोगी बनाता है, और जब मैं रोगी होता हूं तो मुझे निरोग बनाता है। मैं जीत लिया जाता हूं, मूर्छित हो जाता हूं, असफल हो जाता हूं, जब तक प्रेम प्रवाह नहीं करता। परमेश्वर प्रेम बढ़कर परमेश्वर के प्रेम के घाव को चंगा करता है। हर्षातिरेक जिससे मैं मूर्छित होता हूं वही मुझे आज शांति देता है। यदि अधिकता के कारण मर जाऊं तो मैं उस प्रेम रोग से मर जाने के लिए तैयार हूं। मेरे प्रियो, परमेश्वर का यह महान प्रेम आत्मविरोधी है। हम उसकी लालसा तो करते हैं,
परंतु उसकी महिमा हमसे सहन नहीं होती। श्रेष्ठ गीत की पुस्तक 2 अध्याय उसके 6 पद में लिखा है, काश उसका बायां हाथ मेरे सिर के नीचे होता और अपने दाहिने हाथ से वह मेरा आलिंगन करता। उसका बायां हाथ मेरे सिर के नीचे होता, वह हमें पूरी तरह बचा लेने में सामर्थ है। अपने दाहिने हाथ से वह मेरा आलिंगन करता, वह हमें परीक्षाओं से बचाकर यहाँ सुरक्षित रख सकता है। श्रेष्ठ गीत की पुस्तक 2 अध्याय के 7 पद में हम पढ़ते हैं, हे यरूशलेम की पुत्रियों, मैं तुमसे चिकारियों और मैदान की हरणियों की शपथ धराकर कहती हूँ कि जब तक प्रेम आपसे न उठे तब तक उसको न उसकाओ न जगाओ। ध्यान दीजिए, उसे कौन जगा सकता है? आपके साथ उसकी सहभागिता में कौन बाधक होगा? पाप और सांसारिकता। हम उसी के साथ संतुष्ट न हो, परस्पर सहभागिता से भी संतुष्ट हो। अब दूसरे गीत का आरंभ होता है। सुलेमान गया हुआ है और वधु उसकी प्रतीक्षा में है, वह लौट कर आएगा। यहाँ वधु की उत्तेजना प्रकट की गई है कि जब वह सुलेमान के लौटने की प्रतीक्षा करती है। हम इसकी पूर्ति मसीह के आगमन पर देखेंगे जब वह कलीसिया को लेने के लिए आएगा, जिसकी कलीसिया उत्सुकता से प्रतीक्षा कर रही है। तो आइए हम देखें प्रेमी शब्द श्रेष्ठ गीत की पुस्तक 2 अध्याय के 8 पद में, मेरे प्रेमी का शब्द सुन पड़ता है, देखो वह पहाड़ों पर कूदता और पहाड़ियों को फांदता हुआ आता है। मेरे प्रेमी का शब्द, प्रभु यीशु ने अपने शब्द के बारे में कहा यूहन्ना रचित सुसमाचार 10 अध्याय उसके 27 और 28 पद में, मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनती हैं, मैं उन्हें जानता हूं और वे मेरे पीछे पीछे चलती हैं और मैं उन्हें अनंत जीवन देता हूं, वे कभी नष्ट ना होंगी और कोई उन्हें मेरे हाथ से छीन ना लेगा। मेरे प्रेमी का शब्द सुन पड़ता है, देखो वह आता है। क्या आपने कभी सोचा है कि जब कलीसिया उठाई जाएगी तब परमेश्वर के पुत्र की आवाज सुनाई देगी? कलीसिया उन मनुष्यों का समूह है जिन्होंने उसकी चर्चा सुनी। हमने उसकी मृत्यु, दफन और पुनरुत्थान के बारे में सुना है, हमने उसमें विश्वास किया है अर्थात प्रभु यीशु में। आज हम उसकी वाणी सुनते हैं और जब वह हमें लेने के लिए आएगा तब हम उसकी आवाज पहचान लेंगे। यीशु ने कहा कि उसकी भेड़ें उसका शब्द पहचानती हैं, उसकी भेड़ें जानती हैं कि वह कौन है। जब प्रभु यीशु इस संसार से अपनी कलीसिया को उठाने के लिए आएगा तब 1 थिस्सलुनीकियों की पत्री 4 अध्याय उसके 16 पद में हम पढ़ते हैं, प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा, उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा और परमेश्वर की तुरही फूंकी जाएगी। शब्द ललकार और तुरही का फूंका जाना सब प्रभु यीशु की आवाज है। मेरी प्रेमी का शब्द सुन पड़ता है, देखो वह आता है। कलीसिया के उठाए जाने का यह कैसा उत्तम चित्रण है। मेरे प्रियो, इसकी तुलना प्रभु के आगमन से करें जब वह इस पृथ्वी पर राज करने के लिए आएगा। उस समय शब्द सुनाई नहीं देगा, उस समय महिमा का प्रदर्शन होगा। उस समय कान आवाज नहीं सुनेंगे, आंखें महिमा देखेंगी। मत्ती रचित सुसमाचार 24 अध्याय के 30 पद में लिखा है, तब मनुष्य के पुत्र का चिन्ह आकाश में दिखाई देगा, तब पृथ्वी के सब कुलों के लोग छाती पीटेंगे और मनुष्य के पुत्र को बड़ी सामर्थ्य और ऐश्वर्य के साथ आकाश के बादलों पर आते देखेंगे। परंतु जब वह कलीसिया को लेने के लिए आएगा तब मेरे प्रेमी की आवाज सुनाई देगी, वह पहाड़ों पर कूदता और पहाड़ियों को फांदता हुआ आता है। यह निश्चय ही काव्य रूप है, यह एक कविता है और परमेश्वर इसके द्वारा हमसे कुछ कहना चाहता है। यीशु के पांव के बारे में भी बहुत कुछ कहा गया है। सच तो यह है कि मैंने कुछ वर्ष पूर्व प्रभु यीशु मसीह की देह के अंगों पर उपदेशों की श्रृंखला तैयार करने की कोशिश की थी।
मैंने प्रभु यीशु की आंसुओं से भरी आंखों के बारे में चर्चा की है। मैंने प्रभु यीशु के होठों की चर्चा की थी, उसके हाथों की चर्चा की थी, उसके पाँव की भी चर्चा की थी। भजन संहिता 18 उसके 33 पद में लिखा है, वही मेरे पैरों को हरिणियों के पैरों के समान बनाता है और मुझे मेरे ऊंचे स्थानों पर खड़ा करता है। ऐजेलेत शहर का अर्थ है सुबह की हरिणी। यही भजन संहिता 22 का शीर्षक है। इसमें प्रभु यीशु मसीह के दुखों का वर्णन है, क्रूस पर उसके कष्ट और मृत्यु। पूरी रात जंगली कुत्ते हरिणी की घात में थे और उसे नोच रहे थे, वे उसे जान से मार डालना चाहते थे। भजन संहिता 22 उसके 16 में हम पढ़ते हैं, क्योंकि कुत्तों ने मुझे घेर लिया है, कुकर्मियों की मंडली मेरे चारों ओर मुझे घेरे हुए है, वे मेरे हाथ और पैर छेदते हैं। जब सूर्य उगता है तब हम क्या देखते हैं? वह सुबह का हरिण है जो पहाड़ की चोटियों पर खड़ा है। वह मृत्यु से बचाया गया है, वह लौट रहा है। मेरे मित्रों, वह पहाड़ों पर फांता हुआ आता है, पहाड़ों पर कूदता हुआ आता है। मैं प्रभु यीशु के पृथ्वी पर फिर आने का इससे अधिक महान और काव्य रूप नहीं देख पाता हूँ। मुझे अर्थ स्क्रीन की अभिव्यक्ति अच्छी लगती है, जब अनेक बाधाएं आई मेरे उद्धारकर्ता ने स्वेच्छा से अपने मार्ग की प्रत्येक बाधा को सफलता का कदम बनाया। उसने बाधाओं को सफलता का कदम बनाया, उसने हमारे लिए मार्ग बनाया, वही हमारा मार्ग भी है। हमारे पास उसके फिर से आने का यह चित्रण है, यह पहाड़ों पर कूदता हुआ हरिण है, अब वह निकट आ रहा है। मेरे प्रिय की वाणी सुनाई देती है, चट्टानों और ऊंचे स्थानों पर, दोष के पहाड़ों, दुख के सागर पर वह कूदता है और मेरी सहायता को आता है, हमारी दीवार के पीछे। श्रेष्ठ गीत 2 अध्याय उसके 9 पद में लिखा है, मेरा प्रेमी चिकारे या जवान हरिन के समान है, देखो वह हमारी दीवार के पीछे खड़ा है और खिड़कियों की ओर ताक रहा है और झंझरी में से देख रहा है। आज वह दीवार के पीछे खड़ा है, वह परमेश्वर के दाहिने हाथ उपस्थित है। हम यहाँ बहुत दूर पृथ्वी पर हैं, जैसे उस दिन जब उसने 5,000 को भोजन करवाया था, अर्थात भोजन करवा कर पहाड़ पर जाकर प्रार्थना की और उसके शिष्य नीचे गलील सागर पर तेज हवा का सामना कर रहे थे। आज ठीक ऐसा ही है, मैं यहाँ आंधी के बीच में हूँ और वह वहाँ परमेश्वर के दाहिनी ओर उपस्थित है। वह दीवार के दूसरी ओर है और सूर्य के नीचे हर एक बात हमें उससे दूर रखने का प्रयास कर रही है। संसार, देह और शैतान, वह हमसे भी वही बात कहता है जो उसने जक्कई से कही थी। लुकार्ची सुसमाचार 19 अध्याय के 5 पद में, हे जक्कई झट उतर आ, क्योंकि मुझे आज तेरे घर में रहना अवश्य है। वह तो आज भी कहता है, द्वार खोलो, मैं तुम्हारे साथ भोजन करूंगा। वह उस चुंगी लेने वाले के घर गया और उसके साथ भोजन किया। यदि आप उसे बुलाएंगे तो वह अवश्य ही आएगा। उसी के बारे में तो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने कहा था, यूहन्ना रचित सुसमाचार 1 अध्याय उसके 26 पद में, तुम्हारे बीच में एक व्यक्ति खड़ा है जिसे तुम नहीं जानते, आज संसार उसे नहीं जानता है। वह दीवार के पीछे, उदासीनता की दीवार, विद्रोह की दीवार, पाप की दीवार के पीछे खड़ा है। यह कैसा अद्भुत चित्रण है।